दोस्तों ये जो आरवा केव है इसका जाने का रास्ता कुछ ऐसे आता है, काफी एडवेंचरस होता है, बहुत मजा आता है। वैसे देखो थोड़ा रोड कंडीशन उतना ठीक नहीं है, पर मजा है बहुत। और कितना दूर है दोस्त? 5 किलोमीटर भी नहीं। और ऐसे रोड है पूरा भी? अच्छा अच्छा अच्छा, सही है, बाइकिंग के लिए भी सही है। तो ये जो आरवा केव है पहुंच चुके हम लोग, इसका एंटीपी वगैरह देख लीजिए। अन्ना कितना लिया? 100 रुपीज़। तो ये एंट्री किस ऐसा लगेगा आपका देखने में? इनटू द फॉरेस्ट, हाँ इनटू द फॉरेस्ट, बहुत ही पीसफुल शेडोज। क्या लिखा है? कॉशन, एंजॉय द वॉक, लिसन टू द इंसेक्ट्स बर्ड्स। ओ सुपर, तो आपको बहुत ही पीसफुल माइंड से हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करना है, आराम से एंजॉय करते हुए जाना है। अगर कपल आ रहे हो तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के आराम से इस नेचर का मजा लीजिए, बहुत सही लगेगा। हाँ ये एक व्यू पॉइंट है इस सफर में, ऐसा आपको व्यू पॉइंट मिलेगा जहाँ से आपको बहुत ही खूबसूरत सा एक व्यू दिखेगा। यहाँ से आप देख सकते हो डेप्थ कितना है, इस डेप्थ का मजा लेना है आपको। मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ इसका जो डेप्थ है, क्योंकि वीडियो में ये कैप्चर करना बहुत ही मुश्किल है, इसके लिए आपको इधर आना पड़ेगा। ओ माय गुडनेस, अन्नो ओ माय गुडनेस, सुपर यार। यहाँ पे आपको वाटरफॉल दिखेगा, ह्यूज। हाँ इधर से हम लोग दिखा सकते हैं डेप्थ कितना है, इसलिए आपको इधर आना पड़ेगा, मतलब बहुत ही ज्यादा डेप्थ है। क्या खाना बन रहा है? चिकन, चिकन राइस। तो बहुत ही क्लोज आ चुके हैं अभी, यहाँ पे एंटरिंग है। देखो गवर्नमेंट का कुछ नोटिफिकेशन है, आर्कियोलॉजिकल कुछ इम्पोर्टेंस है इसका, पढ़ लो आप, लिखा है वे टू केव। तो कुछ वार्निंग है, हाँ ओ माय गॉड, इससे पहले मैं और एक केव में गया था, हाँ ये मेरा सेकेंड केव है। डरावना है पर डरो मत, डर के आगे जीत है। इससे पहले मैं गया था बेलम केव, हाँ वो तो बहुत ही लॉन्गेस्ट था, मेरा वीडियो में देख सकते हैं, पिछले वीडियो में है ऑलरेडी। पर ये देखो आप, ये भी हाँ वाटर, हाँ यहाँ पे एक वाटरफॉल है, उसी का पानी आ रहा है अंदर तक। अन्ना पानी पानी, हाँ क्योंकि वाटरफॉल का पूरा पानी ना नीचे आ रहा है, लग रहा है बरसात हो रहा है यहाँ पे, पर बरसात कैसे होगा, ऐसा वाटरफॉल का पानी अंदर आ रहा है, बहुत ही डरावना लग रहा है देखने में। वॉच योर स्टेप्स, बहुत ही पता नहीं कितने सालों से ये सब है यहाँ पे। यहाँ से ऊपर भी जा सकते हो अन्नो, तो ऊपर दिखा देते हैं क्या है, देखो कितना अंदर अंदर जाएगा। हाँ अरे बाप रे,
ये लैडर दिया हुआ है, इसलिए ये लैडर से आप जा सकते हो ऊपर आपका एडवेंचर के लिए। लाइट नहीं होगा, हनो मेरे साथ साथ रहो क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत कम हैं। बेलम केव में बहुत ही खड़ा डरावना था पर लोग काफ़ी थे, यहाँ पे लोग बहुत ही कम हैं। हम लोग जितने भी अंदर जाएंगे आप देख सकते हो अंधेरा ही अंधेरा है। दोनों तरफ रास्ता है, कौन सा तरफ जाऊं? दोनों तरफ रास्ता है ना, संभाल के यहाँ पे देखो। ओ माय गॉड, अभी देखो अच्छे इस तरफ बंद है, नो एंट्री लिखा है पर जा सकते हो। जाए ओके। ओ माय गॉड, वाटरफॉल का पानी देखिए कहाँ कहाँ तक आ रहा है, कैसे आ रहा है देखिए। हाँ ये पूरा पानी से भरा हुआ है एक्चुअली, इधर पूरा देखो केव और एक केव है, पर मैं इसमें रिकमेंड करूँगा नहीं जाओ, अंधेरा है, स्लीपी है ना, इस पैर अच्छे से रखो। ओ माय गॉड, आर्वा केव आपका सामने। यार सर थोड़ा नीचे होकर आना पड़ेगा। ओ माय गॉड, अबे झुक झुक के चलना पड़ेगा क्योंकि सरफेस देखिए बहुत ही झुक झुक के चलना होगा आपको। लग सकता है, बाप रे मुझे भी लग जाता अभी। ये देखो पत्थर काट काट के बनाया ऊपर से, थोड़ा ऊंचा किया ताकि। फर्स्ट टाइम की फर्स्ट टाइम, मेरा सेकंड टाइम है, मैंने इससे पहले बिलम कब देखा था। हाँ यहाँ पे बहुत सारे होल्स भी है, ये देखो होल्स है ठीक है। ओ माय गॉड, किस तरफ? अच्छा अच्छा चलो, पर यार कोई है नहीं यार, डर लग रहा है। लाइट है पर कोई है नहीं यार, ऑक्सीजन का मुझे डर लग रहा है, ऑक्सीजन का दबाव पता नहीं। नहीं रास्ता है, लाइट लगा हुआ है पर कोई है नहीं यार। कोई बात नहीं, रास्ता होगा ना, लगा हुआ है। छोड़ देते अन्ना, चलते हैं अन्ना, चलते हैं अन्ना, रास्ता मिल जाएगा यार, आ जाओ। यार कोई है नहीं यार, चलते हैं, हो गया बस। नहीं और भी है कुछ? अच्छा और क्या? कुछ लिखा हुआ नहीं यार, कुछ नहीं यार, बट लाइट तो है ना। लाइट है पर कुछ आ गया तो विलम के बहुत बड़ा है, इसलिए बड़ा। हाँ वो इंडियन सेक्टर में सेकंड लार्जेस्ट है। हाँ ये डेड एंड जा सकते हैं पर हम लोग नहीं जाएंगे, अपन वापस आएंगे। अभी वो एडवेंचर थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है, अभी इतना एडवेंचर भी ठीक नहीं है। अरे उस तरफ नहीं, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड चलो। भाई साहब बहुत ही एडवेंचरस है, आना है तो ग्रुप में आओ ठीक है। मुझे तो काफी एंड में जाके थोड़ा डरावना लगा मुझे। ये देखो अभी क्या कर रही है तू, फिर से लगी? हाँ आपको ना बहुत ही संभाल के जाना पड़ेगा, स्लीपर ही है, हाइट का भी इशू है। चलो इधर स्लीपर, चलो बहुत ही समझ के जाना पड़ेगा आपको, ये सकते हैं आप।
सियारवा केव में आने के बाद यहाँ पे पार्किंग लॉट मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा पार्किंग चार्जेस है, कुछ लेंगे वो लोग 20 रुपीस। और यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है खाने के लिए, और ये फिर वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा उधर, ठीक है, जैसे टिकट कटा के फिर जाना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये रेस्टोरेंट में खा सकते हो आराम से, दाल चावल मिल जाएगा, खाना थोड़ा ऑयली होता है और प्राइस नॉर्मल है, ठीक है। तो यहाँ से एक्चुअली आपको ऐसे लगेगा पूरा देखने में, ये देखो व्यू, ठीक है, व्यूज बहुत ही मस्त है। तो यहाँ पे एक वाटरफॉल जगह देखिए, देखिए खतरनाक है, मतलब है ना।